कि अपना 16 साल का जवान लौंडा स्पाइडरमैन स्नैप कर सकता है नहीं कर सकता तो कौन बात ना ही, लेकिन अगर कर सकता है तो कहां रह गया था यार स्पाइडरमैन एंड गेम में। तो देखो इन सारे सवाल को जवाब मिलेंगे इसी शॉर्ट में, बने रहिएगा एंड तक। पहला सवाल, क्या स्पाइडरमैन स्नैप कर सकता है? तो देखो अपना स्पाइडरमैन कोई कमजोर बंदा थोड़ी ना है, इसने थैनोस के लाख घूसे बजाए, डॉक्टर स्ट्रेंज को उसी की मिरर डायमेंशन में कैद कर दिया था और एक बड़ी सी शिप को भी रोका है उसने, क्या मतलब आयरन मैन ने मदद की थी। कुछ भी कहो बंदे में दम तो है, सो यस स्पाइडरमैन कैन स्नैप। बट स्नैप के बाद उसके हालात कुछ ठीक नहीं रहते क्योंकि स्पाइडरमैन को जो डैमेज मिलता है इन्फिनिटी स्टोन से उसे रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो अगर वो स्नैप कर सकता था तो उसने एंड गेम में स्नैप क्यों नहीं करा भाई? तो देखो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि एवेंजर्स का प्लान था इन्फिनिटी स्टोन्स को टाइम मशीन में डालने का, वो तो टोनी ही था जिसने अचानक से स्नैप कर दिया, वरना एवेंजर्स तो स्नैप करने ही नहीं वाले। क्या तुम्हें याद है डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर में देखी थी एवेंजर्स वर्सेस थैनोस की 14,605 पॉसिबिलिटीज, जिनमें से 14,604 टाइम्स जीता था थैनोस और एक बार हार गया था। तो क्या तुमने कभी सोचा जो थैनोस अकेला एवेंजर्स से 14,604 टाइम्स जीत सकता है वो एक बार क्यों हारा होगा? तो इसका सिंपल जवाब है थैनोस की इंटेंशन। इन्फिनिटी वॉर में वो साफ साफ चाहता था कि वो यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटाकर यूनिवर्स में बैलेंस बनाएगा, भले ही उसका तरीका गलत था लेकिन इंटेंशन तो साफ थी ना भाई, इसलिए जीत गया। और वही एंड गेम वाला थैनोस चाहता था कि वो पूरे यूनिवर्स को मिटाकर उसे फिर से क्रिएट करे और उस पर राज करे, तो वही भाई इंटेंशन गलत थी बंदे की, इसलिए हार गया।